केजरीवाल के सरकारी आवास से भरचौर देखिए यहाँ पर। ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये काफिला उनका यहाँ पर पहुंचा और मीडिया से रूबरू हो रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर तकरीबन एक से डेढ़ घंटे का इंतजार करने के बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं। अरे मुकेश जी फ्लैश तो उतार लो यार। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक काफिला अब पहुंच चुका है उनके आवास पर। तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जानकारी। किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आए, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे करेंगे सर कैंपेन। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ। तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी में एक उत्साह की लहर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और साथ ही साथ ये एक बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर देख रहे हैं आप। और उन्होंने जानकारी भी दी है कल सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, और उसके बाद भगवंत सिंह मान के साथ एक रोड शो में साउथ दिल्ली में शामिल होने वाले हैं। तो हमारे संवाददाता नमित त्यागी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। नमित त्यागी, क्या अपडेट? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आवास पर पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल पहुंच चुके हैं, और देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी के जो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के कैंडिडेट हैं कुलदीप कुमार, वो ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर जश्न मना रहे हैं लगातार। ये देखिए ये अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। किस तरीके से सत्यमेव जयते, ईमानदारी सच्चाई की जीत हुई, और जिस षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया था माने सर्वोच्च न्यायालय। ये अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में ढोल नगाड़े जो है, इधर देखिए मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ जो है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है जो जश्न मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें लगातार मेरे कैमरा पर्सन दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहां पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उनके कार्यकर्ता और नेता जो है वो जश्न मना रहे हैं इस पूरी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आने का। गोपाल राय जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं नमित आपके माध्यम से। ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में खास हैं। क्या तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और मजबूती से लड़ी जाएगी और लड़ाई हम जीतेंगे? क्या कल रोड शो होने का? हम खुश नहीं है, हम लड़ रहे हैं तानाशाही को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत है। क्या कल से रोड शो शुरू होगा गोपाल जी? कल से होगा रोड शो गोपाल जी? ये देखिए गोपाल राय जी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी है।
एक षड्यंत्र के चलते दिल्ली के प्यारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला था कि इनको जेल में डाल के मैं आम आदमी पार्टी को तहस नहस कर दूंगा, दिल्ली की सरकार भी बाकी राज्यों की तरह। प्रचार में कितना बड़ा बदलाव आएगा? हाँ, मेरे को लग रहा है बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही थी उनको अब मुश्किल से 150-200 का नारा लगा। पंजाब में भी बदलेगा सिनेरियो? पंजाब तो पहले से ही 13 सीटें हम जीत रहे थे, अब बाकी पूरे भारत में भी अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस की तरफ से प्रचार करेंगे। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तो सारे जीते रहे हैं, पर भाजपा बुरी तरह से हार रही है उनके षड्यंत्र का। कल से ही रोड शो शुरू हो जाएगा? कल से बिल्कुल, सवेरे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम साहब करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बताएंगे। ये जर्नैल सिंह है जो लगातार कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इस आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर इसको एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। कुलदीप कुमार जो हैं वो हमारे साथ हैं। रहे थे कि अब 1 जून तक जमानत मिली है। देखिए बिल्कुल कुलदीप कुमार हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि भगवंत मान और जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका भी रोड शो यहां पर होना है, लेकिन फिलहाल जो है क्या से देखते हैं कितनी बड़ी राहत। बहुत बड़ी राहत है इस बार जो हम 7 सीट जीतेंगे। कैसे देख, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज कानून में विश्वास रखने वाले लोगों की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और अब हम पूरी ताकत और उल्लास के साथ पूरी दिल्ली। कुलदीप जी कितनी बड़ी जीत और क्या दिल्ली में कितनी पावर मिलेगी? बहुत पावर मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी। मुझे लगता है चुनाव पूरी तरह से बदल चुका है, चुनाव पहले भी बदल गया था लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, नरेंद्र मोदी जो झूठ बोलते हैं देश में उस झूठ को उजागर करने का काम करेंगे देश के सामने। कैंपेन का तरीका भी बदल जाएगा? जो भी तरीका होगा, कैंपेन का तरीका तो एक ही होता है, जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में जाएंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। आपका कैंपेन था जेल का जवाब वोट से, क्या उसकी थीम चेंज होगी? जो भी होगा आपको बताएंगे। जो भी कुलदीप कुमार जो कि पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा के कैंडिडेट है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और देखिए धीरे धीरे अब और भी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ से अब गाड़ी अंदर जा चुकी है, और धीरे धीरे देखिए ये तस्वीरें नीचे की भी हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, सीएम आवास पर पहुंच चुके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका जवाब वोट से उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है अरविंद केजरीवाल जी अब जो है जनता के बीच जाएंगे। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, काफी खास पल ये अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, और क्योंकि आज तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल इस पूरे तरीके से इस पूरी घटना को एक बड़े इवेंट में तब्दील कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। ढोल नगाड़ों के साथ केजरीवाल को सीएम आवास पर लाया गया, सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।